वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भागेगा आज का एपिसोड तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव पर कभी भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है क्या यहाँ पर किस तरह से प्रज्ञा और उसके बाद में अभी का फिर से आमना सामना होगा, और इस बार किसी और केस के लिए नहीं, वो भी आएगी प्रियंका के केस के लिए सामने। और उसके बाद में यहाँ पर अब रिया अब एक नई चाल चलने वाली है, अब यहाँ पर रणवीर को हुक्म देने वाली है। क्या हुक्म होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर दिशा और प्रज्ञा जा रहे होते हैं पार्टी छोड़कर, और उसके बाद में यहाँ पर अभी और प्रज्ञा एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात बंद नहीं होती। आने वाले एपिसोड में आपको और भी चीजें देखने को मिलने वाली है जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर आलिया को गलत साबित करने के लिए और आलिया को पूरी तरह से अलग करने के लिए पूरब से अब पूरी तरह से चाल चली जाएगी दिशा की तरफ से, लेकिन वो चाल इतनी ज्यादा कामयाब नहीं होगी। और उसके बाद में दिशा के पास पूरब अपने आप खिसते हुए चला आएगा, जहां पर अब यहां पर आलिया की सच्चाई खुद ब खुद वो सामने लाएगी, लेकिन इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया और यहां पर प्राची के बीच में फिर से अब अनबन होने वाली है, क्योंकि यहां पर रणवीर अब सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है, वो भी प्राची के लिए, क्योंकि अब रिया की तरफ से मुसीबत आ रही है। रिया ने बोला अब रणवीर को दिया है हुक्म कि अब तुम उसका दिल तोड़ दो, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या रणवीर दिल तोड़ पाएगा प्राची का या फिर नहीं, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और उसके बाद में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रियंका का एक प्लान तो नाकामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद में उसका दूसरा प्लान अब बनकर तैयार हो चुका है। मतलब वो रिपोर्टर्स को यहां पर अब सच्चाई बताने वाली है, और यहां पर उस अखबार वाले को सच्चाई बता देगी आखिर में ऐसा ऐसा हुआ है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देगी। उसके बाद ऋषि को फंसाने की कोशिश करेगी। अब फिर से मुलाकात होगी अभी और प्रज्ञा की। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ खास होने वाला है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें।